अकॉर्डिंग टू कायरा हमारी इस हैप्पी लाइफ में किसी तीसरे की जरूरत नहीं। हमें ना अब कायरा को सब सच बता देना चाहिए। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने मनोरंजन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो सबसे अधिक कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं। खूबसूरत कंगना अपने चुलबुले मिजाज और साफ गोई से दिए जाने वाले अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ने वाली कंगना को 2 नेशनल अवार्ड और 4 फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज कंगना के सितारे बुलंदी पर हैं। हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर में 23 मार्च 1987 को जन्मी कंगना शुरुआत से अपने माता पिता के कहे अनुसार डायरेक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद की राह चुनी। कंगना एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी है, जिसके चलते वो अपने बचपन को रंगीन और खुशियों से भरा मानती है। वो 16 साल की उम्र में दिल्ली पहुँची और फिर मॉडल बनी। थिएटर के बाद कंगना ने साल 2006 की थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर के साथ अपने करियर की शुरुआत की। गैंगस्टर के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो और फैशन जैसी फिल्मों में काम करके अपने अभिनय का लोहा मनवाया। फैशन के लिए उन्हें बेस्ट को स्टार के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने राज और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों के बाद 2011 में उन्होंने आर माधवन की फिल्म तनु वेड्स मनु में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद वो सभी की पसंदीदा बन गई। फिल्म में अपने बड़बोले अंदाज से उन्होंने सभी का मन मोह लिया। इसमें उनके अभिनय को भी बहुत सराहा गया। इस फिल्म के बाद उन्होंने ऋतिक के साथ क्रिश 3 में काम किया। वहीं 2015 में उनकी फिल्म क्वीन ने तो उन्हें बॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेस का मुकाम दिला दिया। इसके बाद कंगना तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में नजर आई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। कंगना की अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमे कंगना ने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया है और इस फिल्म का ट्रेलर भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।